वैसे तो डोबरमैन डॉगीज एक ऑलराउंडर डॉगीज होते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली को बहुत प्यार भी करते हैं, लॉयल भी होते हैं और साथ साथ में एक बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग भी होते हैं। पर डोबरमैन के अपने ही कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर आप डोबरमैन को घर पे लाने के लिए सोच रहे हो तो उससे पहले उसके 10 प्रॉब्लम को कंसिडर जरूर करना, ताकि फ्यूचर में आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके डोबरमैन को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 10, ट्रेनिंग। अब ये डोबरमैन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें उसे अच्छे से ट्रेन करना पड़ता है और उसे डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। अगर हम उसे अच्छे से ट्रेन नहीं करेंगे, उसे डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे, तो हमारी बात कभी नहीं मानेंगे, हमारे कंट्रोल में वो कभी नहीं रहेंगे, और ऐसे केस में वो आपके लिए प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकते हैं। और डोबरमैन एक स्ट्रॉन्ग डॉग है, तो उसका मालिक भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो उसे कंट्रोल कर सके, जो उसे लीड कर सके। अब अगर मेरे जैसा वीक आदमी होगा तो वीकनेस का फायदा उठाएगा और आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। पर अगर हम डोबरमैन को अच्छे से ट्रेन करेंगे तो बहुत ही अच्छे फैमिली डॉग बन सकते हैं, बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग बन सकते हैं। नंबर 9, फर्स्ट टाइम ओनरशिप। अब डोबरमैन को लेकर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि क्या हम पहली बार कुत्ता पालने के लिए सोच रहे हैं, तो क्या हमारे लिए डोबरमैन सही रहेगा या नहीं। अब हम क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हैं। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि डोबरमैन हमारे लिए सही रहेगा या नहीं, हमें ये पूछना चाहिए कि क्या हम डोबरमैन के लिए सही है या नहीं। अगर हम ये पूछेंगे तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि हम फर्स्ट टाइम ओनर है या सेकंड टाइम ओनर है। अगर हम इनफ टाइम देंगे, उसे अच्छे से ट्रेन करेंगे, उसके लिए अच्छे से रिसर्च करेंगे, तो हम एक अच्छे डोबरमैन ओनर बन सकते हैं। हाँ, एक्सपीरियंस से हेल्प होती है, पर अगर हम टाइम और एफर्ट डालेंगे ही नहीं तो कोई फायदा नहीं है। नंबर 8, अग्रेसिव बिहेवियर। बहुत सारे डोबरमैन के मालिकों का कहना है कि कभी कभी उसके डोबरमैन बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव जाते हैं, कभी कभी खतरनाक तरीके से बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि आपका पुराना दोस्त बहुत दिन के बाद घर आए और आके तुरंत ही आपको गले लग जाता है, या फिर आपको प्यार से पीठ पे या शोल्डर पे थपकी देता है, तो आपका डोबरमैन ये नहीं सोचेगा कि वो आपका दोस्त है और आपको प्यार कर रहा है, उसे तो लगेगा कि वो खतरा है और वो आपको नुकसान पहुँचा रहा है, और फिर वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। पर अगर हम उसे बचपन से ट्रेन करेंगे, बचपन से इसे सबसे सोशलाइज करवाएंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमने डोबरमैन को पाला है, डोबरमैन को, कोई बार्बी डॉल या फिर क्यूटी पाई टाइप के डॉग को नहीं पाला है। और वो ये सब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए तो करता है, यही तो उसका नेचर है, और यही सब देखकर तो हम उसे घर पे लाए, तो उसके लिए हमें एक लिमिट क्रिएट करके रखनी पड़ेगी। नंबर 7, हेल्थ। डोबरमैन एक हेल्दी ब्रीड नहीं है, उसे बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। 57% डोबरमैन को डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी नाम की एक हार्ट की बीमारी होती है, जिसमें उसका हार्ट कमज़ोर पड़ जाता है, और उसे पेट की ब्लॉट नाम की एक जानलेवा बीमारी भी हो सकती है, जिसमें उसका पेट फूल जाता है। इसके अलावा उसे हिप डिस्प्लेसिया, एल्बो डिस्प्लेसिया जैसी कई सारी और भी बीमारी हो सकती है। तो अगर आप डोबरमैन पपीज लेने के बारे में सोच रहे हो, तो आप इनफ रिसर्च करके ही लेना, और आप वही ब्रीडर को पसंद करना जो अच्छे से डोबरमैन पपीज का हेल्थ चेकअप करता हो, ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम कम हो, और हो सके तो आप अपने डोबरमैन के लिए इंश्योरेंस करवा ही लेना। नंबर 6, अटेंशन। डोबरमैन को हमारा अटेंशन चाहिए, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर हम उसे लंबे टाइम तक अकेले छोड़ देंगे तो निराश हो सकते हैं, और वहाँ तक कि उसे सेपरेशन एंग्जाइटी भी हो सकती है, और फिर वो बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करेंगे, जैसे कि जोर जोर से भौंकना, चीज़ों को तोड़ देना, रोने की, या फिर कोई भी ऐसी अजीब आवाज़ें निकालना, घर में बहुत सारी जगह पे टॉयलेट करना, जगह जगह खड्डे खोदना, ये सब सेपरेशन एंग्जाइटी के सिम्टम्स है। तो अगर आप डोबरमैन के बारे में सोच रहे हो, तो आपको उसके लिए दिन में आधा घंटा या 20 से 25 मिनट तो निकालना ही पड़ेगा। उस टाइम में आप उसे प्यार कर सकते हो, उसके साथ खेल सकते हो, या फिर उसे आप वॉक पे ले जा सकते हो। नंबर 5, दूसरे कुत्तों पे अपना अग्रेशन दिखाना। अब डोबरमैन का ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपके घर में एक से ज़्यादा कुत्ते रहते हैं, तो दूसरे कुत्तों पे अपना अग्रेशन दिखा सकता है, और नॉर्मली वो सेम सेक्स के कुत्तों पे अपना अग्रेशन दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेल डोबरमैन दूसरे मेल कुत्तों पे अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश जरूर करेगा। नंबर 4, छोटे बच्चे। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, तो आपको डोबरमैन को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। पर हाँ, अगर आपने डोबरमैन को पहले से सोशलाइज करके रखा है, पहले से ट्रेन करके रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऐसा नहीं होता है कि डोबरमैन को हमारे बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम होता है, पर आप ही सोचो ना, डोबरमैन एक हट्टा कट्टा डॉग होता है, उसका वेट भी 40 से 45 केजी तक होता है, तो अगर वो बच्चों के साथ खेलेगा तो अनजाने में ऐसे बच्चों को गिरा सकता है। अगर वो ट्रेन नहीं है, सोशलाइज नहीं है, और बच्चे उसके साथ शरारत करेंगे,
तो वो अग्रेशन भी दिखा सकते हैं। पर अगर आप डोबरमैन डॉगीज को बचपन से ट्रेन करोगे, उसे अच्छे से सोशलाइज करोगे, तो बच्चों को बहुत प्यार करेंगे और उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नंबर 3, कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट होना। अब अगर आपको एक इंडिपेंडेंट डॉग चाहिए तो डोबरमैन आपके लिए नहीं है। डोबरमैन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। वो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, वो हमेशा आपके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। आपको उसके साथ खाना पड़ेगा, उसके साथ सोना पड़ेगा, उसके साथ टीवी देखना पड़ेगा, और जब आप कभी कभी टॉयलेट जाओगे तो भी वो पीछे पीछे आएगा। पर ये बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि वो लोगों को ऐसे ही डॉग चाहिए जो उसे बहुत प्यार करते हो, तो डोबरमैन उसके लिए परफेक्ट चॉइस रहेगा। नंबर 2, एक्सरसाइज। अब डोबरमैन एक एक्टिव डॉग ब्रीड है, तो उसे टाइम टू टाइम एक्सरसाइज चाहिए। तो आप उसे वॉक पे ले जाओगे, आप उसे इनफ एक्सरसाइज करवाओगे, तो वो खुश रहेगा और वो हेल्दी भी रहेगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डोबरमैन खरीद तो लेते हैं पर फिर टाइम नहीं निकाल पाते हैं, और बेचारे उसके डोबरमैन अकेले घर पे बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं, और ऐसे केस में वो डिप्रेशन का शिकार भी बन सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ आप डोबरमैन के बारे में सोचना भी मत। एंड फाइनली नंबर 1, स्पेस। अब डोबरमैन के लिए छोटे घरों में रहना, अपार्टमेंट में रहना थोड़ा मुश्किल होता है, और एक कॉमन सेंस है ना कि उसकी साइज और एनर्जी के हिसाब से उसे थोड़ी जगह चाहिए। और अब साइज बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, एनर्जेटिक है, तो उसके हिसाब से उसे डाइट भी चाहिए। अगर प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगा तो कमज़ोर हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे डोबरमैन के 10 प्रॉब्लम जो हमें उसे घर पे लाने से पहले कंसीडर करने चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो।